ना इमरान खान मेरी मौसी का पुत्र है कि मैं उसको कोई सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा जो एजेंडा है यार वो गरीब है, ठीक है, जिसको थानों में भी ठुडे पाड़े हैं, कचहरियों में भी ठुडे खा रहा है, अस्पतालों में भी ठुडे खा रहा है। यार उसको कम से कम पेट्रोल पंप पे अब ठुडे ना मारो। राजपूत होते हैं, अस्सलाम वालेकुम वीरो, क्या हाल चाल हैं, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत्स। यार अभी कुछ देर पहले न्यूज़ मिली है कि PPDA जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है उसने स्ट्राइक कॉल की है जो हो जाएगी इम्प्लीमेंट सुबह 6 बजे से। कल सुबह 6 बजे से यू विल नॉट गेट एनी पेट्रोल फ्रॉम एनी पेट्रोल पंप अक्रॉस पाकिस्तान, और इसके अंदर उन्होंने 2 व्हीकल्स को इस्तस्ना दी है, ठीक है। उसके अंदर आ जाती हैं आपकी एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ, इन 2 को छोड़ के बाकी किसी भी गाड़ी या मोटर बाइक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। और PPDA के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा है दैट ही इज़ मेकिंग अ टास्क फोर्स जो ये इंश्योर करेगी कि किसी को भी थ्रू बैक डोर या एनी बैक चैनल फ्यूल ना मिले। तो दिस इज़ एब्सोल्यूट केओस सिचुएशन राइट नाउ अक्रॉस पाकिस्तान। पिंडी और इस्लामाबाद के जो फ्यूल पंप्स हैं उन पे तो रश पड़ गई है, हर बंदा अपनी सिटी सिविक ग्रैंडी फॉर्चूनर जो जो जिस जिस के पास गाड़ी थी वो ले के पहुंच गया पंप पे। मोटरसाइकिल वाले भी किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी सारे वहाँ पे मौजूद हैं। मेन मेन पेट्रोल स्टेशन में आपको विज़िट करा देता हूँ कि इस टाइम वहाँ पर क्या सिचुएशन है। सो ब्रदर्स दिस इज़ द लाइन, ठीक है। ज़्यादातर आपको सीडान गाड़ियाँ इसमें मिलेंगी, होंडा सिटी सिविक करोला, और ये लाइन जा रही है जनाब इस पंप तक। ये मेन पेशावर रोड पे ऑपोजिट वेस्टेज ये पेट्रोल पंप है जी, और यहाँ पे इस टाइम ये कंडीशन है आपके सामने। यू कैन सी गाड़ियों से ले के बाइक्स, इवन ये चिंची भी लगी हुई है लाइन में। सो दिस इज़ द कंडीशन राइट नाउ ऑन मेन पेशावर रोड ऑपोजिट वेस्टेज। काफ़ी फेमस पेट्रोल पंप है जी शेल का। तो आए अभी आपको बाकी हालात शलात दिखाते हैं। ये इस चौक से लाइन स्टार्ट हो रही है, और ये देख लें ये लाइन कहाँ तक जा रही है। उस चौक से भी पीछे से ये लाइन स्टार्ट हुई है, और ये गाड़ियों की लाइन है और ये बाइक्स की लाइन है, और इन्होंने तो आई थिंक क्लोज़ कर दिया, शायद इनका टैंकर आया जिसकी वजह से फ़िलहाल PSO ने पेशावर रोड पे पेट्रोल देना बंद किया हुआ है। मेन सदर में है जी ये पेट्रोल पंप। अब आपको दिखाते हैं चल के जो सबसे फेमस पिंडी का पंप है पनसड़की पेट्रोल पंप, उसके क्या हालात व क्या हैं। और ये जो आप इस टाइम रश देख रहे हैं ये पनसड़की पंप की रश है सारी जो यहाँ पीछे तक आई हुई है, और विल टेक सर्विस रोड, और आई थिंक ये सर्विस रोड पे भी यही वाली रश है। बहरहाल जी PPDA सही है, गवर्नमेंट सही है, ठीक है, आई एम नॉट गोना कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, लेकिन वेरी एट द एंड ऑफ द डे नुकसान पाकिस्तानियों का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, ठीक है, एज अ नेशन हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये लाइन सारी आप देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप की लाइन है जी, ये भी हम यहाँ से लेफ्ट होते हैं देन आई विल बी एबल टू शो यू बेटर। बाकी यार PPDA वालों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है यार आप भी हक पे ही होगे, अगर आप स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होगे, लेकिन वैसे एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, एंड लुक एट दैट ब्रो, मेरे ये कंडीशन है इस टाइम। अब सिग्नल खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
इस रोड पे काफ़ी आगे जाके पेट्रोल पंप है और यहाँ तक लाइन आई हुई है, मैं लिंक रोड से जाता हूँ। बहरहाल जी, PPDA से एक रिक्वेस्ट है यार, जो दिहाड़ीदार मजदूर है हमारा, यानी कि रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है यार, उसको भी आप अलाउ करें जब तक आपका गवर्नमेंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो जाती। उनको भी आप अलाउ करें, उनको भी आप फ्यूल दें। और बाकी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है यार, एज़ सून एज़ पॉसिबल इनके जो भी मुतालबात हैं टेबल पे बैठें और हलचल करें इनको। 17 नवंबर को ही पहले डेडलाइन हुई हुई थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक कोई मिसकमिटमेंट हुई है जो उन्होंने इम्पोज कर दी है स्ट्राइक। तो यार इट्स अ कम्प्लीट केओस। इस तरह के जो टाइम्स होते हैं ना, एक चीज़ मैं आपको उसमें कहना चाहूँगा, ये देखें सर, दिस इज़ द लाइन। ये अभी हम सर्विस रोड से जाते हैं और फ्रंट से एक्सेस करते हैं इसको। तो इस तरह के जो टाइम्स होते हैं ना नेशंस की हिस्ट्री में, वो बेसिकली आपने यहाँ पे अपना एक करेक्टर दिखाना होता है, ठीक है, कि यार अगर इस तरह का कोई इशू आया है, स्ट्राइक आ गई है, उड़ा तो नहीं है ना, उड़ सारी गड्डियाँ लै के रोडा तो आ गए हो जी, सारे आज ही फ्यूल पवाना है जी, सारे एम्बुलेंस चलानी है कल। यार जो बंदा अवॉइड कर सकता है, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने तो 2 दिन पहले खैर फ्यूल डलवा लिया था, एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया कि ये क्या सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन यार जो बंदा अवॉइड कर सकता है ना वीरे, वो अवॉइड करे यार, ठीक है। यार लुक एट दिस, मतलब एज अ कॉम हम लोग भी करेक्टर नहीं दिखा रहे, और फिर क्या कह सकता हूँ यार इस पे। और लोग अपने फ़ोन शोन्स निकाल के ये वीडियोस भी बना रहे हैं। थोड़ा पॉज जाके यार इसको कैप्चर करते हैं। ये सर पनसड़की पंप की सिचुएशन है यार। ये पेट्रोल पंप है हैस्कोल का, और मैंने कभी यहाँ पे बंदे का बचा नहीं देखा था, और आज यहाँ पे भी रश आपके सामने है। तो यार इतना जलील ना करो इस कौम को कि वैसे ही ये रोटी रोटी को आपने मोहताज तो कर दिया, मगर ये वक्त ना लेके आओ कि अवाम की जेब में पैसे भी हों और उनको चीज़ भी ना मिले, ठीक है। PPDA से मैं कहूँगा ठीक है यार, होंगे आपके इशूज़, बट योर टाइमिंग वॉज रॉन्ग, ठीक है ना। जब ऑलरेडी इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, बीच में आप अपना एक रोना लेके आ गए हैं। बाकी यार कोई ये ना समझे कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड ले रहा हूँ, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू से कि मेरा तो इस डेमोक्रेसी को लाने में किसी किस्म का कोई रोल भी नहीं था, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। तो वोट शोट मैं वैसे ही नहीं देता, तो ना इमरान खान मेरी मौसी का पुत्र है कि मैं उसको कोई सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा जो एजेंडा है यार वो गरीब है, ठीक है, जिसको थानों में भी ठुडे पाड़े हैं, कचहरियों में भी ठुडे खा रहा है, अस्पतालों में भी ठुडे खा रहा है। यार उसको कम अज़ कम पेट्रोल पम्प पर अब ठुडे ना मारो, ठीक है। तो जो भी आपका आपस का इशू है, PPDA से भी कहूँगा और गवर्नमेंट से भी कि यार इसको रिजॉल्व करें, ताकि ये जो दिहाड़ीदार मजदूर है यार, जो बंदा बाइकियाँ चला रहा है ना, वो भी मजदूर है। आप ज़रा फिगर्स निकालें, आपको पता चले कि कितने लोगों का रिस्क बाइकियाँ से, फूड पांडा से, करीम से, ऊबर से, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम। और अब तो इतनी सर्विसेज आ गई हैं, जो भी आ गई है, एयरलिफ्ट आ गई है, तो यार आप इनका फ्यूल बंद कर दोगे, ये बेचारे कहाँ से रोटी खाएँगे। गरीब का चूल्हा ठंडा करने का ये प्रोग्राम मुझे तो लग रहा है सारा। तो रिक्वेस्ट ही है यार, हाथ जोड़ के बिनती है, जेड़ा भी तुहाड़े आपस के मसले नहीं यार, इन्हों सॉल्व करो, ठीक है। और गरीब आदमी का सोचो यार, आपने बड़ी अच्छी बात है जी, अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं PPDA को भी अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने जो एक क्लॉज डाली है कि रेस्क्यू 1122 को और एम्बुलेंसेस को हम फ्यूल देंगे, और बाकी हम मेक श्योर करेंगे कि किसी को फ्यूल ना मिले। तो मैं कहूँगा यार, जहाँ इतनी दरिया दिली दिखाई है, वहाँ पर आप
ये जो लोग हैं बाइकियाँ चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं, करीम, फूड पांडा, एयर लिफ्ट, जो भी, ज़ाहिर है इनके कोई ना कोई सर्विस कार्ड्स बने हुए हैं, तो आप इतनी रियायत करें कि यार ये जो दिहाड़ीदार तबका है, करीम चला रहा है, ऊबर चला रहा है, बाइकियाँ चला रहा है, यार कम अज़ कम इनको भी आप अलाउ करें, ठीक है। यानी कि जिस बंदे की रोटी जुड़ी हुई है ना इसके साथ, वैसे तो सबकी जुड़ी हुई है, या जो बेचारे लगे हुए हैं दिहाड़ी के ऊपर, ख़ास तौर पे मुझे उनका ख्याल है। तो बार बार एक ही बात है वीरे, एज अ नेशन वी हैव टू शो करेक्टर, ठीक है। ये केओस की जो सिचुएशन है ना, दिस कैन बी अवॉइडेड एंड दिस शुड बी अवॉइडेड। यार अल्लाह से दुआ है कि हमारे वतन अजीज़ के जो हालात व मामलात व वाक़ियात हैं वो दुरुस्त हो जाएं, और सुन, वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अच्छा हो या बुरा गुज़र जाता है। वो एक बादशाह था ना, उसने अपने एक सियाणे वज़ीर से पूछा, यार मुझे कोई ऐसी बात बता कि दुख में याद करूं तो खुश हो जाऊं, खुशी में याद करूं तो दुखी हो जाऊं। उसने ना बादशाह को पेपर पे लिख के दिया कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। बाकी वीरे क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं कि देर इज़ नो पावर इन दिस वर्ल्ड दैट कैन अनडू पाकिस्तान, ठीक है। ये जो भी अंदरूनी बैरूनी कुव्वतें हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं पाकिस्तान को, ये मुल्क अल्लाह के फजल से बना था, और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत ये मुल्क कायम दायम रहेगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।